सभी मान्यगणों का मैं फिक्की और आईएक्स की तरफ से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में. दिस प्रोग्राम दैट वी डूइंग ऑन ओपन एक्सेस, इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है. मैं मेरा नाम दिवजोत सिंह है. मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश स्टेट में एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ यहाँ. आज का ये कार्यक्रम हमने हेवी मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी की जो हेवी यूसेज करने वाले कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो आज ये आके अटेंड करें. दिस प्रोग्राम विल बी लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल. उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषी प्रदेश है और मेरा सारे स्पीकर से ये आग्रह रहेगा कि कृपया हिंदी का प्रयोग ज्यादा रखें. बट ऑफ कोर्स एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेलेबल इंटरनेशनल एज वेल, वी कैन रिक्वेस्ट एंड हैव एवरीबॉडी स्पीक ऑन देयर चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस. सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मैं मिस्टर विनोद अग्रवाल जो पसवारा पेपर्स के CMD हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सबको इनवाइट करें और हमें दो शब्द अपने कहें इसमें. विनोद जी, ओवर टू यू सर. ओके, आई एम हियर. सबसे पहले सभी लोगों का, उपस्थित लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को स्वागत करता हूँ. और ये ओपन एक्सेस जो सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा परमिट किया गया यूपी के अंदर, ये सभी यूपी की भारी उद्योगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. उनको सस्ती दरों पर बिजली मिल जाएगी और जहां तक मैं समझता हूँ कि प्रत्येक यूनिट जो डेडिकेटेड, जिसके पास डेडिकेटेड फीडर्स हैं 33 KVA के और राउंड द क्लॉक कंटिन्यूस प्रोसेस की इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल ये स्कीम है ओपन एक्सेस. तो मैं सभी लोगों का जहाँ पर उपस्थित श्री रोहित बजाज जी, श्री रवि कुची जी, श्री कुशाग गर्ग जी एंड अमित गुप्ता जी का वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ. और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ जी जुड़ने वाले थे लेकिन किसी कार्यवश वो यहाँ पर आ नहीं सके हैं, तो दूसरे प्रोग्राम में चले गए. तो मैं चाहता हूँ ये रोहित बजाज जी सभी लोगों को, सभी उपस्थित लोगों को ओपन एक्सेस के बारे में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे सभी लोग जो है इस चीज से लाभ उठा सकें ओपन एक्सेस बिजली से. धन्यवाद. थैंक यू विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आग्रह करूंगा श्री रवि कुची जी से, जो VP हैं बिजनेस डेवलपमेंट IEX में, कि वो ओपन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पे अपना वर्ड दें. सर, मैं बोलता हूँ कि ओपन ही नहीं हो रहा. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Two systems locked. Sorry. Thank you, Vinodji, for setting the context. In fact, this is, and thanks a lot for organizing this particular webinar for consumers of Uttar Pradesh. This is our second webinar together. We have done one last year and a lot of things have changed since then.
अगर हम ओवरऑल बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर में भी काफी हमने चेंजेस देखे हैं. तो मैं ब्रीफली आई टेक 5 to 10 minutes टू अप्रेज ऑल द ऑडियंस ऑफ व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द सिस्टम, हाउ व्हाट वी ट्रांसफॉर्मेशन वी आर सीइंग इन द सेक्टर व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प अस टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन वेयर वी आर इन. सो लेट मी वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू दिस पर्टिकुलर वेबिनार ऑन बिहाफ ऑफ IEX. आई वेलकम यू ऑल. And once again, thanks to Fiki for organizing this. Let me quickly start with sharing the concept of open access. Open access, हम में से काफी लोग जानते हैं, हम में से काफी लोग इसको use भी कर रहे हैं. Open access एक provision है Electricity Act 2003 का. As per this particular provision of the Act, any consumer today where the consumption is or contract demand is more than 1 megawatt, वो open access को avail कर सकते हैं. वो decide कर सकते हैं कि वो power कहाँ से लेना चाहते हैं. वो अपने choice के supplier से power ले सकते हैं, उस power को wheel करा सकते हैं, central grid को use कर सकते हैं, state grid को use कर सकते हैं, और अपने अपनी premises के अंदर उस power को ला सकते हैं और उसको use कर सकते हैं. So this is basically the concept of open access, and this was introduced in Electricity Act 2003. Since then, काफी changes, काफी development हुई हैं open access पे. आज वाइड बात करें तो there are more than 4,000 consumers all across the country are registered with us. They are taking advantage of open access, and when you are taking advantage of open access, जब आप अपना source खुद supply की supply choose करते हैं, thereby you save on your power procurement cost. So, आज का जो theme है हमारा यही है कि कितना saving potential available है consumers के लिए, और कितना participation हमने देखा है अभी तक, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और end consumer कैसे इसका advantage ले सकता है. This is what we are going to cover in today's 1-1.5 hour session. So, as I said, जब ओपन एक्सेस आया तो आइडिया ऑफ ओपन एक्सेस वाज टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन इन द सेक्टर. एंड इन फैक्ट इफ यू सी ऑल द पॉलिसीज, द रीसेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल द रेगुलेशंस व्हिच आर फ्रेम्ड बाय रेगुलेटर्स, सारे के सारे लोग एक ही चीज पे फोकस्ड हैं, और वो जो चीज है उसका मतलब है कि हमें कैसे सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ाना है. तो रिटेल लेवल पे कंपटीशन होना चाहिए. आज की डेट में हमारे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और ऑल दिस इयर्स वी आर टेकिंग पावर ओनली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए. जैसे हमने टेलीकॉम में देखा, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वी कैन स्विच फ्रॉम वन सप्लायर टू अदर, वन कंटेंट प्रोवाइडर टू अदर कंटेंट प्रोवाइडर. ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन ऑल अदर सेक्टर्स. सारी कमोडिटी में हमने ये देखा है. इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े से इनिशियल डेज आई वुड से, जैसे मैंने कहा, 10 साल से ओपन एक्सेस चल रहा है कंट्री में, 12-13 साल से ओपन एक्सेस चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, बट अभी भी वी हैव नॉट रीच्ड अ स्टेज वेयर वी कैन से दैट पीपल आर फ्रीली यूजिंग इट एंड पीपल आर ऑप्टिमाइजिंग देयर ओवरऑल पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट टू द फुल एक्सटेंट. दैट वी हैव येट नॉट सीन. सो सारे लोग इसी तरफ प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसका और लोगों को जोड़ सके ओपन एक्सेस से, एंड दे कैन आल्सो स्टार्ट सेविंग ऑन द पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. यूपी इज एट अ वेरी एडवांटेजियस पोजीशन टुडे. व्हाई? बिकॉज हमारा जो टैरिफ ऑर्डर अभी रिसेंटली आया था, उसके हिसाब से अगर हम सारे चार्जेस देखें, व्हेन वी आर टेकिंग ओपन एक्सेस वी हैव टू बाय पावर फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स व्हिच प्रोबेबली इज एक्सचेंज इन दिस केस, एंड देन वी हैव टू पे सो मेनी चार्जेस. जो भी रास्ते में हमारे नेटवर्क होता है उसके हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, लॉसेस बियर करने पड़ते हैं. तो ये सारे के सारे चार्जेस आज की डेट में यूपी में लोएस्ट है. तो अगर हम यूपी में कंज्यूमर हैं तो वी कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ओपन एक्सेस. इसलिए ये जरूरी है कि हम इसको समझें और इसको फिर इंप्लीमेंट कर पाए. अगर हम सर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो हमने काफी चेंजेस देखे सेक्टर में. हमारी जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है बहुत बहुत ज्यादा पिछले आई वुड से 5 to 8 years. इन 2014 वी वर लेस देन 2 lakh megawatt. Today we are about close to 4 lakh megawatt. हमारी total capacity 3,87,000 megawatt है. और इसके अगेंस्ट में हम डिमांड देखें तो डिमांड सिर्फ 2 lakh के आसपास है. पीक डिमांड की बात करो, ऑन एन एवरेज जो डिमांड रहती है वो 1,60,000-1,70,000 के आसपास ही होती है. तो काफी ज्यादा हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल है, बहुत सारी कैपेसिटी अवेलेबल है. इस कैपेसिटी को हम एफिशियंटली यूटिलाइज कर सकते हैं.
और यही कैपेसिटी है जो हम देखते हैं, जो सरप्लस कैपेसिटी है कंट्री की, वो एक्सचेंजेस में आती है ऑन द सेल साइड। तो सेल साइड में हमने देखा बहुत सारी मर्चेंट कैपेसिटी है आज आज कंट्री में। रिन्यूएबल कैपेसिटी हमारी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, पिछले 5-6 साल में 20% हर साल की दर से हमारी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ी है। आज हम 1,00,000 मेगावाट के ऊपर हमारे पास रिन्यूएबल कैपेसिटी है। तो जैसे जैसे हम कैपेसिटी ऐड करते जा रहे हैं, हमें कंज्यूमर को चॉइस देनी चाहिए कि वो अपना सोर्स ढूंढे और अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। सिमिलरली एक ट्रांसमिशन नेटवर्क भी चाहिए होता है पावर लेने के लिए, उसमें भी हमने देखा है कि हमारी जो इंटर रीजनल कैपेसिटी है वो 3 गुना बढ़ गई है पिछले 5-7 साल में। तो दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनेबलर्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग ओपन एक्सेस, हम उन दोनों चीजों में बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं और वी कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ ओपन एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी का भी नेटवर्क हमारे पास है, हमारे जो हमारी जो इंडस्ट्री है और कमर्शियल है वो एस्टेब्लिशमेंट्स है वो कनेक्टेड है, और उन्हीं लाइनों से जब हम ओपन एक्सेस लेते हैं तो कोई नई लाइन नहीं लगाई जाती, उसी लाइन से हम इसको पावर हमारे घर तक आती है और इंडस्ट्री तक आती है और हम इसका एडवांटेज ले पाते हैं। तो लार्जली पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हमारा एनर्जी मिक्स शिफ्ट हो रहा है, पहले हम 100% कोल बेस्ड पावर हुआ करती थी हमारे पास, ग्रेजुअली हमने देखा कि गैस बेस्ड पावर भी आई बाद में, उसके बाद न्यूक्लियर पावर आई, और आज के दौर में हम पिछले 5-7 साल में देख रहे हैं कि सारा का सारा गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल पावर में, जो कि क्लीन एनर्जी है, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी है। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी मिक्स चेंज हो रहा है, वैसे वैसे नई अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट में भी मिल रही है। पहले हमारे पास जो मार्केट था उसमें आप सिर्फ कन्वेंशनल पावर खरीद सकते थे, आज की डेट में जो हमारा मार्केट है उसमें आप चाहे तो ग्रीन पावर भी खरीद सकते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं, आप अपना एनर्जी मिक्स चूज कर सकते हैं कि मैं कितनी ग्रीन पावर खरीदना चाहता हूँ, कितनी कन्वेंशनल पावर खरीदना चाहता हूँ, और उसको प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जितना आपको हर एक इंडस्ट्री को आज की डेट में एक RPO फुलफिलमेंट करना होता है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है, तो आप 90% कन्वेंशनल पावर ले सकते हैं, 10% रिन्यूएबल पावर ले सकते हैं, और आप फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने बहुत सारे नए सेगमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट 1 ईयर में। हमने रियल टाइम मार्केट इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे 1 घंटा पहले भी ट्रेडिंग पॉसिबल है। हमारे पास टर्म हेड मार्केट है, इंट्राडे मार्केट है जहाँ पे 3 घंटे पहले ट्रेडिंग होती है। एक और मार्केट अवेलेबल है जिसको हम वीकली मार्केट कहते हैं, जहाँ पे आप एक पूरे वीक के लिए पावर एक साथ ले सकते हैं। तो बहुत सारी आज की डेट में ऑप्शन अवेलेबल है। रिन्यूएबल एनर्जी भी एक्सचेंज पे ट्रेड, REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनके पास उनका फुलफिलमेंट नहीं हुआ है ऑब्लिगेशन तो उनको ईसर्ट्स भी खरीदने पड़ते हैं, तो वो ट्रेडिंग भी एक्सचेंज पे होती है। तो देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल जो हमारे पास एक डिटेल प्रेजेंटेशन है, माय कोलीग रवि कुची विल प्रेजेंट दैट, एंड देन वी विल आल्सो गोइंग टू कवर पर्टिकुलरली अबाउट यूपी कि अगर हम यूपी में मान लीजिए 3 रुपए की पावर एक्सचेंज से लेते हैं तो हमें वो कितनी लैंडेड कॉस्ट पड़ती है और उसमें कितना सेविंग पोटेंशियल हमारे लिए अवेलेबल है। तो आज ऑन इन जनरल बेसिस 1 रुपए तक की सेविंग पोटेंशियल हमारे पास क्लियरली अवेलेबल है जब हम पूरा साल अगर एक्सचेंज से पावर लें। तो अगर आपका टैरिफ 8 रुपए है तो आप उसमें 1 रुपए मतलब 7 रुपए के आसपास आप पावर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस एक्सचेंज से ले सकते हैं। और इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स ये अच्छे से समझते हैं कि 1 रुपी इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 1 रुपी सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी इज डेफिनेटली समथिंग विच नोबडी वुड लाइक टू मिस। तो एक और चीज थी जिसको मैं टच करना चाहता हूँ इनिशियल एड्रेस में। बीच में हमने देखा पिछले 1-2 महीने से हमारे जो पावर प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी तेजी आई है। आप देखें अगर इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो एनर्जी के रेट में ओवरऑल काफी तेजी आई है, इंपोर्टेड कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, और हमारे यहाँ भी थोड़ी सी कोल शॉर्टेज फेस कर रही हैं कुछ इंडस्ट्रीज, और बीच में हमारे यहाँ 7-8 रुपए का भी टैरिफ गया था बीच में एक्सचेंज के प्राइसेस। तो जब टैरिफ इतना चला जाता है, अचानक टैरिफ बढ़ जाता है, तो आपके पास हमेशा फॉल बैक ऑप्शन होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पावर लेने की। यू कैन बिकॉज जब हम ओपन एक्सेस की बात करते हैं तो आप एक ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं, आप एक मार्केट से पावर ले रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर कनेक्टेड विद योर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सरेंडर नहीं कर रहे, विच मींस यू कैन एनी टाइम गो बैक टू योर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एनी मूवमेंट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम मोर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड पे एज पर द टैरिफ, सो दैट ऑप्शन ऑलवेज रिमेन्स। तो जब हमारे बीच में जरूर प्राइसेस बढ़े थे, अभी आज भी आजकल थोड़े से प्राइसेस बढ़े हुए हैं, बट ये सारा टेम्परेरी फेज होता है। हर साल हम देखते हैं सितंबर अक्टूबर में जब हमारी ऑल इंडिया की डिमांड पीक होने लगती है,
मैंने आपको बताया कि 2 लाख मेगावाट हमारी पीक डिमांड टच हुई है, तो ये जितनी भी पीक टच होती है ये नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में होती है, और इस टाइम पे हमने पहले भी कुछ सालों में देखा है कि 1-2 महीने के लिए थोड़े प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो यू विल नॉट लूज आउट व्हेन प्राइसेस आर मोर, ओनली थिंग इज ऑन दोज फ्यू डेज यू वोंट बी एबल टू सेव एनीथिंग, आपकी सेविंग उन दिनों में नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका उससे नुकसान हो जाएगा या आपको उस प्राइस पे कंपलसरी पावर खरीदनी है और जो आपने बाकी बचाया है वो उसका आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे प्रेजेंटेशन के थ्रू, विच रवि इज गोइंग टू शेयर इमीडिएटली आफ्टर दिस, एंड देन वी हैव केप्ट वेरी गुड टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। आई एम श्योर देयर वुड बी मेनी क्वेश्चंस व्हिच वुड बी देयर इन योर माइंड, वी विल श्योरली लाइक टू क्लैरिफाई, एंड let us start with that. Over to Ravi. Thanks, Rohit. Thank you so much, Rohit ji, for letting us know this. आपने जो generation से consumption का ये पूरा जो passage समझाया है, it's not only clearer, बहुत I'm sure a lot of industry will benefit from that as well. I would request Ravi Kuchhi ji, who's a VP BD for IEX, to कि वो अपना उद्बोधन आकर दे. Thank you. Thanks, Dujit. Hope I'm audible. Yes, of course. Yes. Yeah. Thank you. Thanks, Rohit. Thanks, Vicky team, for setting the context. Let me just go to a couple of slides earlier. I'm Ravi Kuchhi. I'm Vice President, Business Development, IEX, and I'm also Regional Head for South, East, and Northeast. कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलने के लिए, बट आई एम यू अंडरस्टैंड दैट आई एम फ्रॉम साउथ, सो आई मे बी स्विचिंग मोस्टली टू इंग्लिश, बट मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए, ठीक है? हिंदी अच्छा नहीं है तो प्लीज माफ कर दीजिए। रोहित ने काफी सारे चीज कवर कर लिए, एक्चुअली ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट जितना ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर टाइम से ज्यादा इफ आई एम एक्सीडिंग टाइम, कुशाग प्लीज रिमाइंड मी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड IEX क्या है। आपको शायद सबको पता ही होगा IEX क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वन ऑफ द टू ऑपरेशनल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इन कंट्री, एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। एंड हम लोग ऑलमोस्ट 13 साल से यहाँ पे हैं, इंडिया में ऑपरेशंस हमारा ठीक चल रहे हैं, एंड ठीक आई एम सेइंग इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेटर वर्ड, आई थिंक इफ आई हैव टू यूज माय इंग्लिश इट शुड बी एक्सलेंट, बिकॉज फ्रॉम पास्ट 13 ईयर्स हमारा देर इज नॉट ए सिंगल डे ऑफ डिफॉल्ट। आप बाकी एक्सचेंजेस में आप शायद काफी लोग ट्रेड करते होंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करते होंगे, देर विल बी हॉलीडेज, राइट? कई दिन छुट्टी होते हैं, कई दिन ट्रेडिंग नहीं होता है। यहाँ पे हमारा 20 मैंने पहले तो 24/7 नहीं है, जब से रियल टाइम मार्केट आ गया तब तो 24/7/365 हो गया, बट उससे पहले भी हर दिन हमारा ऑपरेशन चल रहा था, ऐसा कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ए मैंडेटरी कमोडिटी, इट्स एवरीवन नीड्स इट every day. So 13 साल से कर रहे हैं हम लोग। 2008 में शुरू हुआ था ऑपरेशन, एंड यू कैन सी कुछ डिटेल्स यहाँ पे रखा था, 58 पार्टिसिपेंट्स था तब जब ओपन एक्सेस का, और ये मैंने ओपन एक्सेस धीरे धीरे ओपन एक्सेस का पार्टिसिपेशन बढ़ते गया, तो फर्स्ट ओपन एक्सेस कस्टमर हमने शुरू किया 2009 से, पहले इनिशियली डिस्काउंट्स और ये सब थे, फिर एज रोहित जैसे बोल रहा था कि टर्म हेड मार्केट शुरू किया था हमने, दिस 2008 जब हमने शुरू किया था, the market which we are talking is day ahead market. तो आज ट्रेड होगा कल के लिए, कल डिलीवरी के लिए, ये हमारा प्रीमियर सेगमेंट है जो पूरा एक्सचेंज मैंने इवन नॉट ओनली हियर एवरीवेयर इट्स कलेक्टिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको, डे हेड मार्केट में मैंने सेलर और बायर के बीच में, दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, सेलर और बायर के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं है, एक्सचेंज इज द काउंटर पार्टी। बाकी जगह पर भी वैसे ही है, बाकी ट्रांजेक्शन में भी सेलर बायर के बीच में एक्सचेंज काउंटर पार्टी होते हैं बाकी हमारे सेगमेंट्स में, बट यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो हमारे टर्म हेड मार्केट बोलते हैं, आप सेलर और बायर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका बाई इसका सेल, कलेक्टिव में ऐसा नहीं है। सेलर्स मान लीजिए कुछ 100 सेलर से वो कुछ 6000 मेगावाट बेच रहे हैं और 200 बायर से वो 6000 मेगावाट खरीद रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होते, इट्स क्यूमुलेटिवली डन, दैट इज कलेक्टिव ट्रांजेक्शन, जो मेजर सेगमेंट है हमारे इसमें। और जो उसके बाद 2011-12 धीरे धीरे हम काफी सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करते गए, जो रोहित बोल रहे थे कि हमने लास्ट ईयर जो इंट्रोड्यूस किया ये सब है। सो लास्ट ईयर ये कोविड ईयर है, कोविड ईयर था एंड काफी नुकसान भी होता है इंडस्ट्रीज को,
because of lockdown, yes sir. But हमने in spite of this environment, we could introduce all these segments, real time market, जो जो मैं बोल रहा था 24/7, माने अब तो दिन में बस आपको ये हर बार आपने कभी न्यूज में पढ़ा होगा, स्विगी में आपने फूड ऑर्डर किया, आपको एक घंटे मिल गया, उतना में सेम टाइम यहाँ पे रियल टाइम में आपने पावर ऑर्डर किया और आपको एक घंटे बाद पावर मिल जाएगा. सो इन ए वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स आई एम ट्राइंग टू कीप इट. ग्रीन मार्केट भी इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर में हमने August 21st को इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसमें और दो तीन सेगमेंट ऐड किया था. लास्ट ईयर हम डाइवर्सिफाई भी किया था, गैस भी शुरू किया था, IGX इंडियन गैस एक्सचेंज, काफी इनिशियल डेज है इसका. सो वी हैव स्टार्टेड दिस लास्ट ईयर फुली ओन्ड सब्सिडियरी, धीरे धीरे इसमें भी लोगों का इक्विटी डालना शुरू हो गया. और इस साल हमने एक कमेंस किया था क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग. तो अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग मतलब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ का कस्टमर हमारे एक्सचेंज में खरीदना. वी हैव स्टार्टेड इट वेरी स्लो. तो अभी नेपाल से लोग खरीद रहे हैं, नेपाल से भी सिर्फ एक ही यूटिलिटी जो उनका NEA करके नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, वो हमारा एक्सचेंज में डायरेक्टली खरीद. इससे पहले बायलैटरल ट्रांजैक्शन चलता था, बट एक्सचेंज में डायरेक्टली उनका यहाँ पे खरीदना वो बहुत बड़ी बात है. तो धीरे धीरे ये सेगमेंट बढ़ेगा. सो एज आई वाज सेइंग, काफी सारे सेगमेंट्स है, हमने सर्टिफिकेट का भी सेगमेंट्स खोला था. आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस पॉइंट्स. एक्सचेंज का स्ट्रेंथ क्या है, एक्सचेंज में लोग क्यों आते हैं, ये रीजन आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज द रीजन. यहाँ पे इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ ओपन एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनके पास सरप्लस है या डेफिसिट है, या जिनको अपना पावर ऑप्टिमाइज करना है, जिनके पास ऑलरेडी PPA है लेकिन आपने काफी महंगा PPA टाइप करके रखा है, तो आप ये देखेंगे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, वो तो देना ही देना है, बट मेरा वेरिएबल कॉस्ट इतना है, अगर उससे मैं वो कॉस्ट महंगा जनरेशन है उसको बैकडाउन करके मैं अगर एक्सचेंज से सस्ता मिल रहा है तब वो खरीदता हूँ, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर डिस्कॉम एंड अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर कस्टमर्स. सेम थिंग जनरेटर्स, रोहित जैसे बता रहा था काफी मर्चेंट कैपेसिटी है इंडिया में जिनका PPA नहीं है, तो वो यहाँ पे बेचते हैं अपना पावर. ये दोनों कलेक्टिव मार्केट सेगमेंट्स हैं. एज यू कैन सी, मैं बोल रहा था कि दो एक्सचेंजेस हैं अभी तो, एक PXL है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, और ये हमारा IEX है. तो ये DAM एंड RTM ही हमारा मार्केट शेयर, एंड दिस इज आवर ग्रोथ रेट 32%. तो इसका मतलब है हमने हर साल ऑलमोस्ट इतना ग्रोथ रेट से वो किया था 2008 से. तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं जो हमने माने, अगर कोई ये नंबर देखे तो लगेगा कि एक्सचेंज में पूरा बहुत बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए. तो 2020 का जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हमने जब देखा था, हमारे पास 74 billion यूनिट्स ट्रेड हुआ था, विच इज अ वेरी बिग नंबर. बट अगेन व्हेन यू कंपेयर टू द ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट, अभी भी एक्सचेंज का शेयर सिर्फ 6% 6%. तो इतना कम क्यों है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी है यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म में ट्रेड अप है, और डिस्कॉम्स का सब लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट से. धीरे धीरे गवर्नमेंट का पुश, गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट बढ़े, स्पॉट मार्केट बढ़े, ताकि उससे लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़े. तो गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया था, उसमें 2025 तक टारगेट यह था, 2024 तक टारगेट था कि 25% शॉर्ट टर्म मार्केट में ट्रेडिंग होना चाहिए. जो शॉर्ट आज के दिन में वो 12% है, जिसमें 6% एक्सचेंजेस में. टारगेट यह है कि अगले 4-5 साल में वो 25% हो जाए. तो ये सब किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके शायद दिस इज द राइजिंग मार्केट सेगमेंट, मतलब शॉर्ट टर्म में एक्सचेंजेस में पावर खरीदना, शॉर्टर टर्म ट्रांजेक्शन में डील करना, दिस विल बी द सेगमेंट विच विल बी देयर, विच हैज अ ब्राइटर फ्यूचर बिकॉज ऑफ एदर पॉलिसी पुश और बिकॉज ऑफ अवर एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स. मैंने इट्स नॉट जस्ट इंडिया में ये शॉर्ट टर्म मार्केट्स हैं, बाकी दुनिया में काफी देश है जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट ही चलता है, मैंने स्पॉट मार्केट्स में ही होता है. नॉर्ड करके यूरोप में एक बहुत बड़ी पूल है, अमेरिका में काफी जगह पे इस टाइप का पूल्स है, यहाँ पे एक्सचेंजेस का सिर्फ एक्सचेंजेस ही चलता है, मेजोरिटी ऑफ द मार्केट शेयर यहाँ पे होती है. तो एनफ ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. हाँ, तो ये आप जैसे मैं बता रहा था, एक्सचेंज का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है किस पे आता है, वो एक है लिक्विडिटी. आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, दीज आर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कस्टमर्स, इन C&A कस्टमर्स बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स. तो जहाँ पे वायबिलिटी ज्यादा है, जहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मैंने आप अगर कल का पावर आपको पूरा अभी करना है, मैंने देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आपको राउंड द क्लॉक पावर लेना पड़ता है, देर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर रिस्ट्रिक्शन, बैरियर्स बोलते हैं इसको,
देयर आर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस, जहां पे वो नहीं है जहां पे वायबिलिटी ज्यादा है वहां पे आपको पार्टिसिपेशन ज्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ साउथ स्टेट्स में, वेस्टर्न स्टेट्स में काफी अच्छा है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नहीं था। वहां पे अभी एज रोहित वाज सेइंग ओपन एक्सेस का बैरियर अभी देयर येट टू बी रिमूव्ड, सो वी हैव टू सी मोर एंड मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस वन। एंड या दिस आर जस्ट सम नंबर्स अगेन, डिफरेंट मार्क, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट हर तरह के इंडस्ट्रीज है यहाँ पे पार्टिसिपेशन, टेक्सटाइल, मेटल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, वुड, पेपर, वी यू कैन कीप ऑन सीइंग। सो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, सब जगह से हमारा पार्टिसिपेशन है। ये हमारा मार्केट सेगमेंट है, तो डे एड मार्केट दिस इज फॉर टुमारोज डिलीवरी, और दिन में हम लोग जैसे 24 घंटे उसको एक्सचेंज में 96 टाइम ब्लॉक्स करते हैं, उसको हर एक घंटे को 4-15 मिनट का टाइम ब्लॉक डिवाइड करते हैं, वो हमारा इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड है, 15 मिनट शेड्यूलिंग होता है। सो आज 10 से 12 बजे के बीच में लोग बिड डालेंगे फॉर डिलीवरी ऑफ टुमारो, कल का पूरा 24 आवर्स और 96 टाइम ब्लॉक्स कल के लिए आप आज बिड डाल सकते हैं। एंड आप हर एक टाइम ब्लॉक के लिए यू कैन पिक एंड चूज, हर एक टाइम ब्लॉक के लिए आप अलग अलग प्राइस, अलग अलग क्वांटम डाल सकते हैं। सो इफ आई गो बैक टू द एक्सचेंज वैल्यू प्रोपोजिशन, पहले से बोल रहा था एक लिक्विडिटी और दूसरा ये है फ्लेक्सिबिलिटी। आप हमेशा चूज कर सकते हो कितना, कौन सा टाइम ब्लॉक में कितना पावर और कितना प्राइस डालना है, उसमें आपको देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर, अगेन देर मे बी सम नॉन टैरिफ बैरियर्स इन अदर स्टेट्स बट शायद यूपी में वो आपको वो दिक्कत। तो ये एक डे हेड मार्केट है हमारा, आई विल एक्सप्लेन दिस स्लाइटली मोर इन डिटेल, क्योंकि जैसे डे हेड मार्केट है, डे हेड मार्केट में प्रोसेस क्या है, 10 से 12 बजे का आप बिड डालते हैं, बायर्स एंड सेलर्स एनोनिमस, दूसरे लोगों को इट्स कम्प्लीटली क्लोज, डबल साइडेड ब्लाइंड ऑक्शन, अदर्स विल नॉट नो व्हाट योर बिड्स आर। 12 बजे बिड क्लोज हो जाते हैं, 12 to 1 वी चेक मार्जिन्स, वी रन द इनिशियल अल्गोरिथम है हमारा, वो अल्गोरिथम भी शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड वी डिस्कवर ए प्राइस, हम एक प्रोविजनल प्राइस डिस्कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम एनएलडीसी को पूछेंगे कि वेदर, बिकॉज अभी का एक्सचेंज में देर इज आपने ये देखा होगा देर आर 13 जोन्स, अगर एक्सचेंज का वेबसाइट देखेंगे यू हैव सम 13 जोन्स, एंड रोहित वाज आल्सो मेंशनिंग दैट वी हैव सफिशिएंट इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी 1 lakh megawatt का ऊपर है। सो दैट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट हियर, बिकॉज वंस वी गो टू एनएलडीसी विल से देर इज एनी कंजेशन इन बिटवीन दिस कॉरिडोर्स, अगर वैसे पहले ज्यादा होता था बट आजकल 99.5% 6% का टाइम आपको कोई कंजेशन नहीं मिलता। सो आपको जो हमारा प्रोविजनल प्राइस आया, जो हम आपने काफी बार नारे भी सुना होगा, वन इंडिया वन प्राइस, वन नेशन वन प्राइस वन रेट, इट इज क्लियर, इट इज सेम हियर ऑल्सो। बट कभी कभी अगर आपको वो कोई जोन में आपको कंजेशन आ जाता है, देन एरिया क्लियरिंग प्राइस, उनको जोन्स को जो हमने 13 बोला था उसके डिफरेंट एरियाज बोलते हैं, उसके एरिया क्लियरिंग प्राइस अलग होगा रेस्ट ऑफ इंडिया के कंपेरिजन, उसका एयरिंग अगर वहां पे आपको डिमांड ज्यादा है तो आपको वहां पे प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे जो महंगा जनरेशन है वो क्लियर करना पड़ेगा और बाकी जगह पे जो सस्ता जनरेशन है उसको थोड़ा बैकडाउन करना पड़ेगा, बिकॉज आपका ये कॉरिडोर है यहाँ पे लिमिटेड है। सो दैट इज कंजेशन मैनेजमेंट विच वी, बट एज ए सेट रेयर सिनेरियोस, आउट ऑफ ऑल द टाइम ब्लॉक्स यू विल सी वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टाइम वेर यू फाइंड इट। तो फिर उसके बाद वंस दैट फाइनल प्राइस कम्स, वी सेंड द शेड्यूल टू एनएलडीसी, हम अपना मार्जिन, पैसे जो भी डालना है वो सब डाल देते हैं, वी चेक फॉर फाइनल मनी एंड देन वी फाइनली कम अप द शेड्यूल एंड एनएलडीसी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शेड्यूल आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस बताया ये ऑलमोस्ट 8 hours का प्रोसेस है, 10 बजे से 6 बजे तक का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया अभी आपको इंडिया मार्केट में, द सेम प्रोसेस हैपन्स इन रियल टाइम मार्केट, बस इसमें ये अंतर है कि एज ए सेड आपको एक घंटे पहले, द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल विच यू टेक इज फ्रॉम 22:45 to 23:00 रात को 10:45 से लेके 11 बजे के बीच में एक ऑप्शन होती है 15 मिनट में फॉर द डिलीवरी ऑफ अगले दिन का 00:00 to 00:30, माने अगले दिन का 00:00 to 00:30 दो टाइम ब्लॉक्स के लिए इस टाइम ब्लॉक में एक ऑप्शन होती है। सो उसके बाद एक टाइम ब्लॉक चला गया, फिर आपको 11:15 to 11:30 PM ऑप्शन हैपेंस फ्रॉम 00:30 to 01। तो दिन में ऐसा 48 ऑप्शंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं एंड एवरी अल्टरनेट टाइम ब्लॉक एंड डिलीवरी आफ्टर 1 hour, द एंटायर प्रोसेस व्हिच आई एक्सप्लेन्ड हियर हैपेंस इन दिस कंप्रेस्ड टाइम। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड दिस वी स्टार्टेड इन 1st June 2020 एंड इट हैज बीन अ ह्यूमंगस सक्सेसफुल, माने इट्स मच मच मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इसमें
लोगों ने इसको काफी काफी डिफरेंट तरीके से यूज किया। हमने सोचा रियल टाइम मार्केट का इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये था, जैसे जैसे आप डिलीवरी के पास आते हो आपको अपना डिमांड प्रेडिक्ट करना आसान होता है, मेनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और आपका अगर कोई रिन्यूएबल रिच स्टेट्स है, हमारा साउथ एंड वेस्ट में स्लाइटली और नॉर्थ राजस्थान में भी वी हैव दिस विंड एंड सोलर प्लांट्स, जिसका जनरेशन प्रेडिक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सन एंड विंड। इसका जनरेशन जैसे जैसे आप व्हेन यू कम क्लोजर टू डिलीवरी इट विल बी ऑल द मोर इजियर एंड हेंस इट मेक्स सेंस फॉर दीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो वहां पे उसको एंड टू पार्टिसिपेट, उसको उसके हिसाब से अपना अच्छा से प्रेडिक्ट कर पाए ताकि कोई पेनल्टी लगे, पेनल्टी ना लगे। बिकॉज अगर आपका शेड्यूल और एक्चुअल में कोई डिविएशन है उसको एक डीएसएम पेनल्टी होती है, डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, वो काफी स्टैंडर्ड है बट वो लग सकती है। इसलिए वो स्टेट एंटिटीज have to be very cautious while giving their numbers. Real time market आने के बाद वो problem काफी काफी हद तक solve हो इन लोग। Sorry. Yeah. So ये इनका काफी हद तक वो problem solve हो चुकी है। And इसके बाद there is one more market segment, रोहित बता रहा था term ahead contracts। ये काफी simple बता देता हूँ, ये इसका ज्यादा use नहीं होता है इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर्स, अनलेस आपके पास काफी ज्यादा डिमांड हो और आप वो क्वांटम के लिए देख लो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट इज इन दिस डेड मार्केट एंड रियल टाइम मार्केट फॉर सी एंड ए कस्टमर्स। बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें होता है कि जब रियल टाइम मार्केट नहीं था, आपने देखा ये 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ था, उससे पहले रियल टाइम मार्केट नहीं था, तब ये मार्केट जैसे आप ये देख रहे हैं इंट्राडे कंटिजेंसी, तो इंट्राडे इज फ्रॉम 4 hours to 24 hours सेम डे आपका डेड मार्केट हो गया। उसके बाद इंट्राडे में उसी दिन डिलीवरी के लिए आपको 3.5 hours का गेट क्लोज है। सो जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था 1 घंटे पहले, यहाँ पे 3.5 hours पहले आपको ट्रेडिंग बंद हो जाती है। और यहाँ पे डेड कंटिजेंसी, जैसे डेड मार्केट आपको 3 बजे तक आपको प्राइसेस वगैरह सब कुछ पता चल जाता है, फाइनल प्राइस वगैरह, तो 3 to 11:30 आपको डेड कंटिजेंसी मार्केट, कंटिजेंसी द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स आफ्टर डेड मार्केट इज ओवर देयर इज सम कंटिजेंसी where you want to adjust your portfolios, आप ये market use कर सकते थे। Daily and weekly, daily आप T+2 to T+11, T is the trading day, T+2 to T+11, हमारे exchange के ऊपर restriction है, हम 11 दिन से ज्यादा contract कोई भी कर नहीं सकते, because CERC and SEBI का बीच में कुछ केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे वो खत्म हो जाएगा हम लोग शायद 1 साल तक की contract भी ले आ सकते थे, but अभी वो सुप्रीम कोर्ट का केस आना, result आना बाकी, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी आ जाए एंड वो हम बाकी उसके बाद हम लोग मंथली क्वार्टरली और ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द हाउ द पिटिशन गोस हम लोग वो कर सकते हैं। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट इट्स फॉर द एंटायर वीक, इसका भी ऑप्शन होती है वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, इट्स फॉर वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, अगले हफ्ते अगले मंडे टू संडे का आपको पूरा ऑप्शन हो जाती है। सो दिस इज वीकली कॉन्ट्रैक्ट। और इन सब में डेली इंट्राडे डेट कंटिजेंसी, इसमें मैचिंग मैकेनिज्म हम बोलते हैं कंटिन्यूस मैचिंग, आपको जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होती है वैसे ही जो प्राइस जो पहले डाला क्वांटिटी और वो देख के कंटिन्यूसली मैचिंग चलते रहते हैं। बट जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट और ये डेट मार्केट और रियल टाइम मार्केट ये सब में हमारा डबल साइडेड क्लोज्ड ऑप्शन है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है, काफी सिंपल चीज। एक और मार्केट सेगमेंट था हमारा ग्रीन टर्म एंड मार्केट, ये भी हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था 21 अगस्त को। आप देख सकते हैं ये सेम सेगमेंट से इंट्राडे डेट कंटिजेंसी डेली वीकली सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, जस्ट रिन्यूअल के वजह से थोड़ा ट्वीक किया था इसको, टाइम के हिसाब से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बाद में, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट स्मॉल ट्वीक्स वर डन सो दैट टू एनकरेज बेसिकली द रिन्यूअल पार्टिसिपेशन। एंड जीटैम इज द इंडिया में क्या दुनिया में शायद वी आर द ओनली वन विदाउट लर्निंग दिस एक्सक्लूसिव ग्रीन मार्केट। एंड एक और मार्केट आने वाले इंटीग्रेटेड डे आहेड मार्केट, जिसमें ग्रीन का भी अलग से सेगमेंट आने का है, बट वी विल वेट एंड सी हाउ द पिटिशन कम्स, वी विल वेट फॉर द फाइनल हियरिंग फ्रॉम सीएस। और बाकी ये सर्टिफिकेट सेगमेंट से आरईसी काफी लोग शायद सुना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, जो भी ओपन एक्सेस से पावर खरीदता है जो सीएनडी कस्टमर, अगर आप डिस्काउंट से नहीं खरीदते हो, वेदर यू आर परचेजिंग थर्ड पार्टी एक्सचेंज कहीं पे भी खरीदते हो, आपके ऊपर कुछ आरपीओ होती है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, क्योंकि देर इज ए परसेंटेज विच वॉज सेट बाई द ERCs, आपको उतना पावर ग्रीन कॉम्पोनेंट खरीदना होगा, इट्स नॉट जस्ट कन्वेंशनल ग्रीन कॉम्पोनेंट, सिंस इफ यू कांट परचेज दैट ग्रीन पावर
यू शुड परचेज दिस REC's. इट्स जस्ट पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, 1 MW और उसके 1 certificate, ये आप खरीद के यू आर इफेक्टिवली मीटिंग योर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. ये ऑलमोस्ट ये भी एक साल से मार्केट नहीं चल रहा था बिकॉज एप्टल में एक केस पेंडिंग है, तब से ये मार्केट बंद है. देर इज वन मोर मार्केट सेगमेंट ESETs. ये भी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 ESET इज इक्वल टू 1 MTOE. ये भी उसी टाइप का है जैसे REC है, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म बोलते हैं. हर एक जगह में आपको कुछ टारगेट होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का आपको कुछ BEE से कुछ टारगेट मिला होगा. देर मे बी सम ऑफ यू मे बी डेजिग्नेटेड कस्टमर्स, तो उस टारगेट के हिसाब से अगर आपने वो एनर्जी कंजर्वेशन टारगेट मीट कर लिया आपने, देन यू नीड नॉट डू एनीथिंग. अगर आपने एक्सीड कर लिया देन आपको ESET सर्टिफिकेट्स मिला होगा जो आप बेच के पैसा कमा सकते हैं. और अगर आप डेफिसिट में, अगर आपने मीट नहीं किया देन यू हैव टू परचेज दिस ESETs. टिल टुडे ESETs एंड REC's हैव टू बी प्रोक्यूर्ड ओनली इन एक्सचेंजेस, आपको सिर्फ एक्सचेंज में ही मिल सकते हैं, आप बायलैटरल नहीं कर सकते. तो ये प्राइस डिटरमिनेशन इन दोनों में भी वही है, डबल सेट क्लोज्ड ऑप्शन. ESET का इसको हम साइकिल्स बोलते हैं, ये लोग PAT 1, PAT 2, PAT 3 ऐसे साइकिल्स होते हैं. BEE डिटरमिन करता है कब से ट्रेडिंग शुरू होगा. ये PAT 2 का साइकिल ट्रेडिंग शुरू होने वाला है अभी, डेट शायद October 19-20, हम लोग वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए. वो जैसे शुरू हो जाएगा आपके पास अगर सरप्लस या सरप्लस ESETs है तो आप प्लीज पार्टिसिपेट, डेफिसिट ऑल्सो यू कैन यू शुड पार्टिसिपेट टू अवॉइड एनी पेनल्टीज एंड नॉन कंप्लायंसेस. तो इसके बारे में भी हम वी कैन एलाबोरेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इन टच एंड वी कैन एलाबोरेट ऑन दिस. बस एक पॉइंट ये एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम यूपी का स्पेसिफिक पॉइंट्स में रहते हैं. डबल साइड क्लोज्ड ऑप्शन मेथोडोलॉजी, ये हमारा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था RTM में और डे हेड मार्केट में और हमारा ये REC ESET, हर जगह पे प्रिंसिपल्स यही है. ऑब्वियसली कंप्यूटर एल्गोरिथम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, बट प्रिंसिपल यही है, सिंपल प्रिंसिपल. आप ये देख सकते हैं दीज आर डिफरेंट पोर्टफोलियोज, और ये एक 15-मिनट टाइम ब्लॉक का एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा था आपको. याद होगा मैंने बोला 96 टाइम ब्लॉक्स में, उसमें हर एक 15 मिनट में डिफरेंट प्राइस एंड डिफरेंट वॉल्यूम हो सकते हैं. तो एक 15-मिनट टाइम ब्लॉक का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज इसमें प्राइस लिमिट इज 0 rupees per kilowatt hour एंड 20 rupees per kilowatt hour. आप इससे कम नहीं बिड कर सकते हो, इससे ज्यादा बिड नहीं कर सकते हो, ये दिस इज फर्स्ट लिमिट. और आपको प्राइस ठीक होते हैं 0.1, 0.1, 0.1, आप ये जो देख रहे हैं आपको एक एक 1 rupee का, एक्चुअली आप मेगावाट आवर में करते हो तो आपको ये होगा 20,000 rupees per megawatt hour, किलोवाट आवर को मेगावाट आवर में कन्वर्ट कर लिए, तो आप एक एक प्राइस में एक एक 1 rupee का टिक कर सकते हो. तो अभी ये पोर्टफोलियोज देखते हैं हम लोग, ABCDF एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लोग बिड किया. तो पोर्टफोलियो ये बिड, ये का बिड है ये 20 MW at 0. टिपिकली ऑल बायर्स वुड लाइक टू प्रोक्योर मैक्सिमम इफ द प्राइस डिस्कवर्ड इज चीपर. All sellers would like to sell maximum if the price discovered is higher. तो आपका जो supply demand curve होती है economics का basic principle है, that is the entire concept here also. तो जैसे जैसे price बढ़ रहा है 0, 1, 1.1, 2, 2.5, यहाँ तक जो पहले ही बोल रहे थे कि there is a viability, क्योंकि आप exchange से जो power खरीदते हो मान लीजिए वो 3 rupees, 3 rupees के ऊपर there will be some charges. आपका अगर STU charges होगा, आपका डिस्कॉम का व्हीलिंग नेटवर्क होता आप जहां पे कनेक्टेड उसके हिसाब से वो चार्जेस होगा, लॉसेस होगा जो काइन में सेटल होते हैं, CTU चार्जेस होगा. तो ये सब ऐड करते करते आपको वो 3 rupees आपको हो सकता है 6 rupees हो गए, बट अगर आप डिस्कॉम से आपको 7 rupees में पावर मिल रहा है तो आपको 1 rupee का फायदा है. तो बेसिकली वहां यही है कि उसको 3 rupees तक ही इज विलिंग टू टेक 20 MW. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वो अपना रिक्वायरमेंट कम करते गया 3.1, 3.5, अब 4 rupees का उसको शायद वायबिलिटी नहीं है, देन वो 0 कर दिया, उसको जरूरत नहीं है. सिमिलरली आप ये देख सकते हो पोर्टफोलियो बी सी 60, 50, 40, फाइनली उसको 20 rupees का फॉर सम रीजन ही हैज अ मस्ट बाय, उसको खरीदना ही खरीदना है वो कोई भी प्राइस है. सिमिलरली यहाँ पर 70, 60, 50, 10, 10, इसका 10 rupees का मस्ट बाय, 10 MW का मस्ट बाय. ये डी इज ए प्रॉब्ली ए कैप्टिव कंज्यूमर और ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसका ये है कि आपको अगर सस्ते में पावर मिल रहा है वो खरीदेगा, अगर महंगा पावर हो गया तो अपना उसके पास देयर इज इधर अ पावर सोर्स और ही कैन यूटिलाइज हिज ओन पावर सोर्स टू सेल एक्चुअली, तो ये अपना ये पावर बेचने के लिए शुरू हो गया. ENF सेलर से
जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है अपना क्वांटम बढ़ा दिया टिल द कैपेसिटी विच दे हैव. तो व्हेन यू ऐड ऑल दिस, ये जो एक कर्व होती है सप्लाई डिमांड कर्व, हमारे वेबसाइट में भी आप हर 15 मिनट का टाइम ब्लॉक पे देख सकते हैं. यू कैन सी दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स. सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आएगा दैट इज योर मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम. यहाँ पे एक चीज सबको जाननी है, ये हम सबको भी यही एडवाइस देते हैं कि जो भी बायर्स हैं और सेलर्स हैं सब अपना मार्जिनल प्राइस कोट करें ताकि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा. मैंने वॉट एवर इज योर प्राइस इफ यू कोट दैट मार्जिनल प्राइस, मान लीजिए आप एक बायर हैं, आपको फॉर सम रीजन यू आर ओके विलिंग टू परचेज यूनिट 7 रुपीज, तो आप वो 7 रुपीज का बिड डालेंगे बट प्राइस डिस्कवर हुआ 2.5 रुपीज, तो आपको 2.5 रुपीज ही पे करना पड़ेगा. सिमिलर फॉर सेलर्स, सेलर के पास एक रुपए का बेचने का पावर है देन बट प्राइस डिस्कवर्ड इज 2.5, बट उसको 2.5 रुपीज मिलेगा. तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसको हम दिस इज द सोशल वेलफेयर विच वी कॉल इन इकोनॉमिक टर्म्स. बट ये आने से आपको यू नीड नॉट वरी दैट वेदर आई एम ट्राइंग टू परफेक्टली टाइम द मार्केट परफेक्टली राइट द मार्केट, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ये कुछ प्राइस ट्रेंड्स हैं, जैसे रोहित बता रहा था कि जनरली सितंबर अक्टूबर में आप कभी देख सकते हैं, अभी लास्ट टाइम अगस्त में भी आ गया था बिकॉज कोविड खत्म हो गया, कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो गया, डिमांड काफी तेजी से बढ़ गया एंड हम लोग काफी लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना डिमांड बढ़ेगा. और वेरायटी ऑफ रीजंस, इट्स नॉट जस्ट डिमांड, मानसून शायद नॉर्थ में आपको नॉर्थ और वेस्ट में कुछ जगह मानसून ठीक से नहीं आया था तो उसका भी इम्पैक्ट है. इम्पोर्टेड कोल, ग्लोबल इम्पैक्ट है, इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस काफी बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3 times हो गया अगर एक साल का कंपेरिजन, मोर देन 4 times अभी तो. तो $24 पर टन था वो ऑलमोस्ट अभी 96-97, इतना महंगा हो गया. तो जो मर्चेंट कैपेसिटी है वो आप सस्ते में नहीं बेच पा रहे हैं. गैस जो लास्ट ईयर काफी सपोर्टिव था प्राइसेस वगैरह, इस बार गैस काफी महंगा हो गया. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो एक्सचेंज, एंड इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. वी आर अ सीआरसी मॉनिटर्ड एंटिटी, वी आर अ लिस्टेड एंटिटी, सो एवरीथिंग इज अबव बोर्ड, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. कॉम्पिटिटिव प्राइस डिस्कवरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एज यू कैन सी आपको प्राइसेस डिसेंट रेंज में मिलते हैं आपको, बट देर विल बी टाइम ब्लॉक्स, देर विल बी डेज एंड मंथ्स इवन व्हेन द प्राइसेस सर्टेन पीरियड्स ऑफ मंथ वेयर यू कैन सी द हायर प्राइसेस. सो इस बार भी वही है, दिस इज प्योर सप्लाई डिमांड. आप माने इफ यू कैन शो दिस सप्लाई एंड डिमांड यू कैन सी द सिंपल इंटरप्ले ऑफ बोथ. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लू बार से एवरेज सेल है, रेड बार से एवरेज परचेज है, और आप देख सकते हैं ये जब सप्लाई ज्यादा था ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस आपको प्राइसेस काफी सस्ते थे, जैसे 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 सप्लाई स्टेबल था बट डिमांड बढ़ना शुरू हो गया आपको कम हो गया. यहाँ पे ऑलमोस्ट सप्लाई डिमांड इक्वल हो गया. फिर यहाँ पर वही बात है, ऑलमोस्ट अगस्त 21 में आपको डिमांड एक्चुअली ज्यादा था सप्लाई से, जिसकी वजह से काफी बड़ा स्पाइक आ गया, एंड ये आया था ऑलमोस्ट 3 साल के बाद. सो ये तो काफी फैक्टर्स होता है, इट्स नॉट जस्ट वन. जैसे अगर रिन्यूएबल स्टेट्स हैं, आपको विंड जिस दिन कम हो गया देन सडनली आपको डिमांड आ जाएगा, जिस दिन बारिश हो गया और साउथ में मानसून की वजह से अगर सोलर जनरेशन डिप हो गया, देर कैन बी वेरायटी ऑफ फैक्टर्स विच विल डिटरमिन. बट ये कॉम्पिटिटिव है, फ्लेक्सिबल है, एंड प्राइस डिस्कवरी इज ट्रांसपेरेंट. That's the biggest advantage. आपको कोई take or pay arrangements नहीं है, and as we were mentioning earlier also, आपको contract demand का charges आपने already pay कर चुके हैं, fixed charges. तो आपको जो हमेशा आप अपना variable charge के हिसाब से, जो अभी कुशाग दिखाएगा, आप अपना variable charge का per unit का जो आ रहे हैं उसके हिसाब से आप compare करेंगे, वो आपका maximum है. उससे 10 पैसे कम 20 पैसे कम जो भी नहीं, वो आपका maximum है. आप वहां तक bid डालेंगे, clear हुआ ठीक है, clear नहीं हुआ आपको discount से power तो मिल ही जाएगा. ये आपका एडवांटेज है इसमें. तो ये रियल टाइम मार्केट है, ये भी आपको डेड मार्केट जैसे चला था रियल टाइम मार्केट भी वैसे ही था. प्राइस ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल टाइम मार्केट में प्राइसेस थोड़ा कम होते हैं डेड मार्केट से. तो जब शुरू हुआ था रियल टाइम मार्केट जून में, आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स काफी कम था, क्लियर जो हो रहा था. ये ब्लू इज सेल और रेड इज बाय, ग्रीन इज क्लियर. तो आप पहले काफी कम था, इनिशियल डेज में सिंगल डिजिट्स था, जैसे जैसे मंथ का एंड पे आ गया वी आर सीइंग डबल डिजिट्स एंड फाइनली दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा से वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं. अभी तो हम 60-50 एमयू सीम्स नॉर्मल इन ए डे फॉर अस, एंड देर आर डेज की ऑलमोस्ट 98 एमयूज. आप ये देख सकते हैं 98 एमयूज भी क्लियर हुआ था. एंड यहाँ पर प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रूल द रोस्ट हियर बिकॉज उनका क्वांटम ज्यादा होता है. कोई वेदर इंसिडेंट आ गया, सडनली कोई साइक्लोन आ गया,
कभी सडनली विंड डिप हो गया, साउथ का वेस्ट का विंड सडनली डिप हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, कोई जनरेशन आउट हो गया, तो ये सब समय पे रियल टाइम मार्केट उनका काफी हेल्पफुल रहा. तो एंड यू कैन ऑल्सो मैन एनी वन कैन पार्टिसिपेट वेर एवर दैट SLDC इज गिविंग दोस काइंड ऑफ एनओसीज, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू मैनेज योर रिक्वायरमेंट्स. एक और मार्केट सेगमेंट है ग्रीन टर्म एंड मार्केट. ये अगेन ग्रीन टर्म एंड मार्केट आप वॉल्यूम देख सकते हैं, आप रियल टाइम मार्केट का कंपैरिजन में तो ये भी उसी ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने बाद शुरू हुआ था, बट इसका वॉल्यूम काफी कम था. इतना कम क्यों था? बिकॉज यहाँ पर मर्चेंट कैपेसिटी नहीं है. जैसे थर्मल में मर्चेंट कैपेसिटी शुरू से था, रिन्यूएबल में ये जो भी आप देख सकते हो वो सब या तो डिस्कॉम ने खरीद लिया, डिस्कॉम का 25 साल का पीपीए था, या कॉम्पिटिटिव बिडिंग था, या फीड इन टैरिफ्स था, या आपके जैसे इंडस्ट्रियल कमर्शियल कस्टमर्स का भी 15-20 साल का पीपीएस था, जिसकी वजह से यहाँ पर मर्चेंट कैपेसिटी कुछ डेवलप हुआ ही नहीं. बट देर आर डिस्कॉम्स जिसके पास सरप्लस हो गया अभी बिकॉज ऑफ आरपीओ कंप्लेंस एंड द पुश ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कुछ डिस्कॉम्स जो साउथ का है उनके पास सरप्लस आ रही हो गया. नाउ दे आर इन अ कंडीशन दैट दे वॉन्ट टू सेल दैट सरप्लस. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरली कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड हिमाचल ने भी कुछ पार्टिसिपेट किया जो स्मॉल हाइड्रोक है वहां पर भी. सो ये सब आप अभी उनका कंप्लेंस मीट हो चुका है, तो इतना सरप्लस हो चुका है दैट दे वांट टू सेल दैट. एंड वो बेचने से उनको क्या फायदा होगा? क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा महंगा मिलेगा आपको. डे हेड मार्केट से यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलेगा प्राइस आपको. ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे REC कॉम्पोनेंट जो मैं पहले बता रहा था, एक REC मार्केट था जो आपको 0 to 1 का बीच में प्राइस बैंड था वहां पे एक एक सर्टिफिकेट का, वो यहाँ पे आप वो प्राइस भी लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है. एंड ये सिर्फ आरपीओ कंप्लेंस के लिए नहीं, देर आर मेनी एंटिटीज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हु वॉलंटरी हैव टेकन टारगेट्स, वॉलंटरली टेकन टारगेट्स दैट आई विल मीट माय 100% पावर रिक्वायरमेंट बाय लेट अस से 2025, 2015, 2030, व्हाटएवर. मेरा 100% पावर कंप्लेंस में सिर्फ ग्रीन पावर से करेंगे. तो ये सब के लिए जीटा मार्केट हैज बिकम अ बूम. आप अगर इस मार्केट सेगमेंट में देखेंगे जो ओडिशा का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कस्टमर है उसका आप यहाँ पे नाम उनका तो न्यूज में भी आया था, वेदांता है उनका, ही इज द मेजर कस्टमर एंड वो उसने तो इतना 880-900 MU तक खरीद लिया था जो आप पूरा जो हमारा 3 billion यूनिट से ज्यादा है उसमें उसका मेजर शेयर है. वहां से क्यों खरीद रहे हैं वो? वन, ही इज मीटिंग हिज आरपीओ कंप्लायंस एंड ऑल्सो मीटिंग हिज वॉलंटरी टारगेट्स विच ही हैज सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स. Second, it is making economic sense and commercial sense for that guy. Because in Odisha, mein, there is a waiver of CSS, cross-subsidy surcharge ka waiver tha wahan pe. And jo transmission and wheeling charges hai wahan pe, wo bhi sirf 20% of the normal charge pay karna hai. Jiski wajah se wahan pe uska viability kaafi badh gaya. Isliye wo Odisha mein, Odisha, ye jo bhi entities aap dekh rahe hai, sab Odisha ka hai. Jo open access ka, jo buy hai, majority, almost 95% of the open access buy is coming from Odisha. अब इसको छोड़ के देर आर सम अदर बायर्स जो डिस्कॉम्स हैं, देर आर सम प्रोग्रेसिव डिस्कॉम्स हु आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू प्रोक्योर मोर एंड मोर ग्रीन पावर टू मीट देयर कंप्लायंसेस. जो CESC ये कलकत्ता का है, हरियाणा, DNH, काफी डिस्कॉम्स हैं जो यहाँ पे ग्रीन पावर खरीदे. तो आप ये प्राइस रेंज भी देख सकते हैं, वॉल्यूम्स भी अगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखेंगे 785 इस साल, दिस इज 2084, अब हम ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं हमने. इस बार हमारा टारगेट 2.5 के ऊपर ऑलरेडी हो गया एंड वील बी होपिंग कि वील गेट मोर एंड मोर सप्लाई इन इट्स. बट द बिगेस्ट पॉइंट इज लास्ट ईयर वी स्टार्टेड इन ऑगस्ट 21st, तो उस समय हमारे पास विंड नहीं था. इस साल हमने ये तो अप्रैल से हमारा मार्केट शुरू था, लास्ट ईयर ऑगस्ट में शुरू किया. सो इस बार जो विंड पावर है वो सरप्लस भी यहाँ पे मिल रहा था. जीटैम में एक दो और फायदा भी है जो प्राइमरी C&I कस्टमर्स के लिए. एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एक सर्कुलर आया था कि सेइंग दैट कि आपको जो ISTS चार्जेस है वो पूरा वेव्ड ऑफ होगा इस मार्केट GTAM में और आगे जाके इवन GDAM में. एक और एज आई वाज सेइंग देयर वाज अनदर मार्केट सेगमेंट व्हिच यू शुड शॉर्टली सी, इंटीग्रेटेड डैम बोल रहे, उसमें सेपरेट कन्वेंशनल एंड नॉर्मल डैम, कन्वेंशनल डैम होता है और एक GDAM होगा जिसका क्लीयरिंग अलग से होगा. तो वो GDAM सेगमेंट में और ये GTAM में आपको ISTS चार्जेस नहीं लगेगा. और वैसे भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेल कर रहे हैं,
इवन विदाउट दैट वो रूल अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, बट अगर वो ऑपरेशनलाइज नहीं भी होता है जो एज लॉन्ग एज पीसीकेएल इन तेलंगाना इज सेलिंग और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज सेलिंग लेस देन देयर एलटीए कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी, क्योंकि ये तो टैम सेगमेंट है और लास्ट ईयर नवंबर 20 में देयर इज सम चेंज इन रेगुलेशन बिकॉज ऑफ विच देयर इज सम डिस्टिंक्शन बिटवीन टैम एंड डैम सेगमेंट व्हिच आई वाज मेंशनिंग. तो ये टैम सेगमेंट में इसकी वजह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेच रहे तो आपको आईएसटी चार्जेस वैसे ही नहीं लगे. तो ये एक फायदा है अगर आपको ग्रीन पावर खरीदना है, आपको 10 मेगावाट 20 मेगावाट 5 मेगावाट सोलर खरीदना है, नॉन सोलर खरीदना है, यू कैन ऑलवेज ट्राई इट आउट. एक दो दिन आप अगर आपको इफ इट मेक सेंस यू कैन ऑलवेज प्रोक्योर. अगेन गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, द बिगेस्ट एडवांटेज हियर इज फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन ऑलवेज पिक एंड चूज, आपको एक दिन ठीक लगा खरीद लो, नहीं लगा यू लीव इट. सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एक्सचेंज. सो आई थिंक दीज आर द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड I think Kushag can take over from here. I will explaining on this variety of aspects of open access. Thank you, Ravi sir. IEX products or price trends के बारे में audience को brief करने के लिए. So अभी जैसे रवि ने बताया कि different charges applicable रहते हैं open access transactions में, exchange power के ऊपर हमारे को काफी charges pay करने पड़ते हैं जैसे जैसे हम जो infrastructure use करते हैं. सो उसमें कुछ चार्जेस होते हैं जो सेंट्रल यूटिलिटीज़ के चार्जेस होते हैं और जो सेंट्रल कमीशन डिफाइन करता है. कुछ चार्जेस होते हैं जब स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं तो स्टेट कमीशन डिफाइन करता है. तो उसी में सर अभी जो हमारे मेजर चार्जेस एप्लीकेबल रहते हैं, एक हम जो सेंट्रल सिस्टम को यूज़ करने के चार्जेस बोलते हैं उसको हम बोलते हैं POC चार्जेस. सिमिलरली एक ट्रांसमिशन चार्जेस होते हैं जब हम स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क को यूज़ करते हैं. थर्ड एक चार्जेस एप्लीकेबल रहते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हीलिंग चार्जेस. ये बेसिकली क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स मोस्टली डिस्कॉम लेवल पे कनेक्टेड हैं तो डिस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए जो चार्जेस हैं उसको व्हीलिंग चार्जेस हम लोग बोलते हैं. सिमिलरली एक क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है, बेसिकली ये आप सब्सिडाइज कर रहे हैं अदर कंज्यूमर्स को, जो लो पेइंग कंज्यूमर्स हैं उनको आप सब्सिडाइज कर रहे हैं बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स ओपन एक्सेस. So these are variable various. तुम्हारा volume मुझे ही कम. I am unable to hear you. Probably you have to be louder. या तो mic की वजह से. Is it better? This is better. Yes. Okay. So these are various charges जो हमारे open access transactions में applicable रहते हैं, जो एक customer को pay करने पड़ते हैं over and above the exchange price. सिर्फ कुछ अदर माइनर चार्जेस हैं जैसे NLDC फीस, SLDC चार्जेस, IEX ट्रांजेक्शन चार्जेस, ट्रेडिंग मार्जिन. दीज आर स्मॉल कंपोनेंट्स बट दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दी जो हमारे एक्सचेंज से हम पावर प्रोक्योर करते हैं. तो जब हमारी लैंडेड एक कॉस्ट आती है सो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज चार्जेस. सो UP स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एक अगर हम 3 वोल्टेजेस लेवल जो हमारे ST कंज्यूमर्स जनरली कनेक्टेड रहते हैं 1133 और 132 पे और एक्सचेंज का एक हम रेट कंजर्वेटिव रेट लेके चलें, ऑल दो रवि ने बताया कि अभी पिछले कुछ टाइम में हमारे रेट्स थोड़े से हायर साइड पे थे वेरियस फैक्टर्स जो गैस है इंपोर्टेड कोल है उनको लेके. रोहित सर ने भी इस चीज़ को कवर किया था कि क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम में हमने प्राइसेस को थोड़ा सा हायर साइड पे ऑब्जर्व किया है. बट अगर हम एक कंजर्वेटिव नंबर लेके चलते हैं 330 का एक्सचेंज का और उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस हम और लॉसेज अप्लाई करते हैं तो एक लैंडेड कॉस्ट जो कस्टमर को आती है वो लगभग आती है 667 एट 11 केवी, 614 एट 33 केवी एंड 534 एट 132 केवी. उसको अगर हम कंपेयर करें डिस्कॉम टैरिफ से 710, 680 और 640 से सो देर इज़ ए गुड अमाउंट ऑफ सेविंग पोटेंशियल ऑलमोस्ट 40 प्लस फॉर 11 केवी, ऑलमोस्ट 60 प्लस फॉर 33 केवी एंड 1 रुपी प्लस फॉर 132 केवी. सो दिस नंबर जो है हमारा एक सेविंग के कस्टमर के लिए दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर. अगर कोई इंडस्ट्री 5 से 7 लाख 10 लाख यूनिट महीने की कंज्यूम कर रही है उसके लिए अगर 1 रुपये सेविंग होती है दिस इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अब एक यूपी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अगर हमारे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है यूपी में सो हमारा क्या बेसिक प्रोसीजर है, कैसे हमारे को प्रोसीड करना पड़ेगा. सो सबसे पहला इसमें स्टेप है जिसको हम बोलेंगे कि ट्रेडर का सिलेक्शन. काफ़ी सारे हमारे एक्टिव ट्रेडर मेंबर्स होते हैं जो मार्केट में हेल्प करते हैं आपको पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए, बिडिंग के लिए, फिर आगे जितना भी आपका सेटलमेंट वगैरह है. सो कंप्लीट प्रोसेस के लिए काफ़ी सारे हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडर मेंबर्स हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज़ आप एक सूटेबल ट्रेडर अपनी कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस पर सेलेक्ट कर सकते हैं.
जब एक ट्रेडर सेलेक्ट हो जाएगा सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी हमारे को इसमें एक सेपरेट सेट ऑफ मीटर चाहिए रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एबीटी मीटर। अभी जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं वो जनरली यूज करती हैं टीओडी मीटर, टाइम ऑफ डे मीटर, बट जब हम एबीटी जब ओपन एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो हमारे को एक स्पेसिफिक मीटर सेट चाहिए रहता है एबीटी मीटर। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जैसे रवि ने बताया पिछली स्लाइड्स में कि इसमें अकाउंटिंग सब 15 मिनट्स बेसिस पे होती है। सो ये एबीटी मीटर बेसिकली 15 मिनट्स टाइम ब्लॉक में डेटा कैप्चर करने के लिए केपेबल है। सो ये हमारे को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन जब हम लगाते हैं कंसर्न अथॉरिटीज में यूपी ट्रांसको में तो वहाँ से उनकी टीम एक इंस्पेक्शन करती है, देन इंस्पेक्शन करने के बाद कुछ इश्यूज होते हैं तो आइडेंटिफाई करके वो रेक्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, एवरीथिंग इज ओके तो देन वो आपको इंस्टॉलेशन के लिए परमिट करते हैं। वंस एबीटी मीटर अलॉन्ग विद द कंप्लीट सेट ऑफ सीटी एंड पीटी जो रहती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो एक बार आपका इंस्टॉल हो जाता है, देन सेकेंड स्टेप वुड बी द रजिस्ट्रेशन ऑन यूपीएसएलडीसी। सो आपको यूपीएसएलडीसी पे एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा कि हम ओपन एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो एक आपको एनओसी इशू करेंगे जिसके यूज करके आप एक्सचेंज के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब आपका एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दिस अगेन यू कैन डू थ्रू योर ट्रेडर, आप ट्रेडर के थ्रू इसको रजिस्टर कर सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर बाय पेइंग एनुअल फीस ऑफ 1 लाख प्लस जीएसटी चार्जेस। वो जब ये रजिस्टर हो जाएगा दे कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन डेली बेसिस इन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो रवि ने अपनी पिछली स्लाइड्स में कवर किया है, वो उसमें आप डिफरेंट सेगमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सो जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन ऑफ मेंबर, सो दीज आर दी बेसिक और जो हमारे प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जो यूपी मार्केट में अभी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, तो दीज आर दी मेजर मेंबर्स पीटीसी, जीएमआर एनर्जी, मणिकरण पावर, क्रिएट एनर्जी, इंस्टिंक्ट इंफ्रा, अरुणाचल प्रदेश पावर। सो और ये उनके कॉन्टैक्ट पर्सन हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इफ अवर ऑडियंस वॉन्ट टू नोट डाउन दीज डिटेल्स। सो यू कैन अप्रोच एनी ऑफ दीज ट्रेडर मेंबर्स एंड यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ द एनओसी फॉर ओपन एक्सेस बाई इंस्टॉलिंग द सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। So this is for UP specific part. I think we can take a few questions. Divyoji, if Ji Kushalji, I would like to draw some questions for the panel as well. The first question that we've received is from Mr. Harsh Chandalia. He says, "What will be the impact of Electricity Amendment Bill 2021 on open access markets?" Ravi sir, would you take up this question, sir? सर ये थोड़ा अगेन स्लाइटली जेनरिक क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। इसमें सर आई विल बी इफ देयर आर एनी स्पेसिफिक क्लॉजेस व्हिच यू आर रेफरिंग दैट विल बेटर बिकॉज एज एन एक्ट इट इज स्लाइटली टू मच ऑफ अ ब्रॉडर स्कोप फॉर अस टू स्पीक ऑन। And if you have a specific question, anything, I'll be more than happy to answer that, sir. I mean, anything on markets, anything on this one, that I can answer on that portion. It is yet to be introduced, so I would like to refrain sure. from that. Sure. Mr. Vijayan Patni says that, can you circulate about us for metering equipment solution providing so that everyone can be benefited as many people searching a good supplier and solution provider? Metering equipment. You want the metering equipment solution provider's name, sir. I understand that, right? You need the who can actually provide this metering solutions. So when you talk to our members, they can give you or else Kushal, you want to add something? Smart meter, sorry, even yeah. Yes, sir. I think Mr. Patni is himself a vendor. Mike Kushal. Sir, I think Mr. Patni is himself a vendor, or I think he is asking us to refer his details to the concerned clients who are willing to participate. Sir, you can contact all these trader members who are taking up this task of installation of the infrastructure. I think they will provide you good ground and good leads, and you can definitely reach out to them, sir. Next question is from Mr. Barun Kumar. He says, whether a college in UP with 2.5 megawatt of contract load can have power through power market, what will be the landed cost in DAM and GTAM respectively? And also says, what is the initial cost to subscribe this kind of model? Sir, first of all, on landed cost, I think Kushagra has already given. We can share that details.
एंड अभी रेस्ट्रिक्शन ये होता है जनरली 1 megawatt एंड अबव कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होने से आप ओपन एक्सेस पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो सिंस यू हैविंग 2.5 megawatt, आई डोंट थिंक देयर इज एन इश्यू. तो एज कुशाग्र हैज एक्सप्लेन्ड, वो प्रोसेस होता है आपको. द ओनली थिंग विच IEX सीज इज दैट वी नीड एन ओसी फ्रॉम SLDC. वंस यू गेट दैट यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट, देर आर नो अदर कंसर्न्स. बट वो एनओसी आना जरूरी, एंड वो जनरली आपको शायद यहाँ पर भी मंथली एनओसी होता है ना कुशा, एवरी मंथ मंथली एनओसी रहता है, मंथली एनओसी होता है. तो आपको महीने में एक बार वो फर्स्ट एनओसी विल टेक सम टाइम बिकॉज दे विल चेक दिस एबिलिटी मीटरिंग एंड अदर्स. उसके बाद इट विल बी रिपीटेटिव प्रोसेस, उसके बाद इट वोंट बी. और सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन के आंसर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को इसमें चाहिए रहता है, यहाँ पे 3 set of ABT meters और उसके कोरस्पॉन्डिंग CTPT चाहिए रहता है. सो उसका जो एक टेंटेटिव कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो लगभग 12 से 15 लाख के बीच में आता है. सो दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको फर्स्ट एनओसी से पहले करना पड़ता है, विच यू कैन कवर इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द सेविंग एंड लोड कंजम्पशन. This comes to the second question. It's, I think it's related to this only. It says, is this new, Mr. Mrigash Shah says, is this new ABT meter and CTPT is set installed in series to existing meters cubical or is it replaced completely? I think Pushak is the better person. आई थिंक ये रिप्लेस होता है सर, आपका TOD मीटर सेट आपका रिप्लेस हो जाता है बिकॉज दोनों की स्पेसिफिकेशंस अलग हैं, दोनों का जो वोल्टेज और करंट लेवल है वो दोनों अलग हैं, तो स्पेसिफिकेशंस 0.2S के आपके सब कुछ लगता है इसमें. सो वो एक अलग सेट लगता है सर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा. मिस्टर संजय भार्गव asks, usually OA is bi/trilateral contract. What is the role of IEX and how they can support generator to sell or buyer to purchase power? This is the entire motto of our presentation, sir. एक तो आपको पास bilateral option है, you can always utilize that. Bilateral में generally वो slide हमने इसमें रखा नहीं, but अगर आप 2009 से लेके आज तक मैंने if you see the trend, CRC market monitoring report होती है, उसमें generally if you see the trend, bilateral volumes are either stagnant or slightly decreasing. बट जो एक्सचेंज वॉल्यूम्स है सर, जो एक्चुअली कलेक्टिव ट्रांसैक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है, दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. उसका रीजन व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई कीप ऑन अगेन फ्रॉम द विद ऑल हम्बल हम्बल सबमिशन, फ्लेक्सिबिलिटी. आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पॉइंट सर, फ्लेक्सिबिलिटी, पेमेंट सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी. इफ आई हैव टू से जस्ट 3 words, दिस इज इट. फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बायर्स, क्योंकि आप As I said, no take or pay arrangements, no fixed contracts. आपको आज सस्ता लगा, आप खरीद लिया, नहीं खरीद, आप वही प्राइस डालेंगे जहां पर आपको फायदा होगा. अगर आपको उससे ज्यादा प्राइस, आपको मार्केट में आपको क्लियर ही नहीं होगा, यू विल एनी हो गेट, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू गेट अ लॉस. ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, आई होप आई एक्सप्लेन इट बेटर. 13 साल से एक्सचेंज रन कर रहे हैं, देर इज नॉट अ सिंगल डिफॉल्ट ऑफ ट्रांसैक्शन. डिफॉल्ट इज अ बिग वर्ड, वी डिड नॉट इवन फेल, इवन डिले द पेमेंट्स. दैट इज द थर्ड पॉइंट व्हेन आई कम टू थर्ड, पेमेंट सिक्योरिटी. सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को काफी दिक्कत होती है बिकॉज उनका कैश, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस और व्हाटएवर, उनका कैश फ्लो कंडीशन ठीक नहीं है. तो जनरेटर्स को यहाँ पे पेमेंट अगले दिन मिल जाती है. वो क्यों मिल जाते हैं, वैसे नहीं कि हमारे जेब से जाते हैं. व्हेन एनी ट्रांजैक्शन हैपेंस, वी हैव दिस 100% मार्जिन. दैट्स व्हाट आई वाज, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस, 10 to 12, 12 to 1 and 1 to 12, तो 2:30 बजे से पहले आपको पूरा पैसा हमारे पास आ जाता है, जो भी बायर है, जिसकी वजह से आपको पूरा पैसा हम पहले अगले दिन इमीडिएटली दे पाते हैं. तो ये सबसे बड़ा फायदा है सर. इसकी वजह से एक्सचेंज इज जस्ट अ फैसिलिटेटर. हमारा तो ऐसा कुछ नहीं कि वी आर फिजिकली ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. वो काम तो एक्चुअली एग्जिस्टिंग ग्रिड है, लाइन से, विच आर टेकिंग केयर ऑफ इट. वी आर जस्ट अ फैसिलिटेटर एंड इट वी जस्ट एंश्योर दैट द कमर्शियल पार्ट ऑफ दिस, वी आर अ मार्केट ऑपरेटर, कमर्शियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस हैपेंस स्मूथली. दैट्स द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ एक्सचेंज एंड दैट्स हाउ वी आर हेल्पिंग द मार्केट. Discoms are discouraging by not
approving the timely application and delaying in giving adjustments, how to overcome on this? That's what he asks. I think a bombshell question for us, but let me try and answer that, sir. Sir, practical issues on delay of applications, I think there is some concern again, but I would not like to think that DISCOMs are just delaying because they will be losing their customers. I don't think that's the case at all. But there may be some time constraints, there may be some processing issues because of which it may happen, because of which there can be some delay. But as Rohit was initially also mentioning, open access, although it has started in way back in 2000 with the LATC Act in 2003, UP may it is taking, we have started just recent, I think one and a half year been AWOC. So it takes time, sir. Sometimes it takes time. All of us have to bear with it. But yeah, Mane, we should keep on continuing the push. If we are facing any hurdles, we should definitely take it to the respective DISCOM, respective commission, and to humbly submit that these are the difficulties which we are facing and ensure that it becomes commercially and economically beneficial to both of us. Because DISCOMs per se are practically not losing. When you see all those overheads which you have mentioned, whether it's transmission charges, wheeling charges, these charges actually go into the when I'm saying DISCOM, it's STU, and I'm just biased and I'm still in the old way where you have one EV. So these are corresponding charges going to all these entities. There are SLDC charges. So it's not as if they are losing money. They're only losing that particular component. Even there is a CSS charge also, cross subscription, whatever additional charges, whatever they're already going, they're already meeting their respective obligations. So it may be just a lack of education among probably some working level person that this is also, there may be some here and there delays, but I would not like to believe that there is a effort in from this concept. Sir, one point I would like to add yahan pe, ki sir, as a state, agar hum ek holistic approach dekhen, so UP is very progressive. Sir, reason being, UP ek aisa state hai jisne cross subsidy surcharge ko is tariff order mein reduce kiya by up to 64 paisa. सेकेंडली यूपी ने ही सबसे पहले एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा जिसमें अब आप अपनी एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं. सो डेफिनेटली सर थोड़ा सा एक ऑपरेशनल चैलेंजेस आप बोल सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में है, बट स्टेट इज मूविंग टूवर्ड्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन और हमने देखा भी है जिस स्पीड से हमारे पास रजिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुए हैं. सो दिस इज अ क्लियर साइन कि जहाँ पे जो स्टेप्स यूपी गवर्नमेंट एस सच ले रही है प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज को, ओपन एक्सेस को, वो एक सर कहीं ना कहीं आ रहे हैं. थोड़ा सा इनिशियल है लेकिन बट स्टेट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर प्रमोटिंग ओपन एक्सेस. मुझे अभी मेरे सीनियर अमित गुप्ता जी यहाँ जुड़ गए हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल में. उन्होंने भी ये बताया कि वरुण कुमार जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ऑल्सो रवि जी, मैंने आप कह रहे थे कि योर हिंदी इज नॉट दैट गुड, बट मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर समझने में. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई बीन इन पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है. कमिंग ऑन टू, I'll take this question, sir. Last question, ये भी ले लेंगे, उसके बाद we'll have the vote of thanks from Amit ji. Varun Kumar ji asks, if the client is bidding in exchange, if there are deviations in power consumed, less or more than scheduled, how is it taken care of? One, if scheduled power is more than consumed, whether the client has to pay for this entire scheduled power or not? मैं presentation के बीच में एक word use किया sir, deviation settlement mechanism regulation. Let us assume that you are an intrastate customer, माने आप STU के साथ connected हो, तो UPERC का एक deviation settlement mechanism regulation होगा sir, उसके हिसाब से settlement होगा. So if you are, let us say your schedule is 100 and you have actually drawn 105, then ये जो 5 megawatt rate, depending on grid frequency, depending on those particular, there are a variety of conditions, or based on which there will be some additional charge which will be levied on. Sir, anyhow, DSM is a quite a complex subject, and it is relevant to mention here that even at a central level, there is a complete overhaul of DSM being looked at. जो मैं अभी frequency linked करके बात एक बात बोला था, वो अभी धीरे-धीरे वो हट जाएगा. अभी CRC is planning at ISTS level, but once CRC does it, I am assuming the same thing will keep on applying respect to commissions will also start doing that. So, but अभी आपके लिए I think मैंने इतना समझना काफी है that आपको जो भी UPRC के DSM regulation होते हैं, there are different bands and it is linked with frequency. There's a price vector. उस frequency में आपने overdraw किया, underdraw किया, उसके हिसाब से आपको penalty लगेगा. Penalty या मैंने whatever is that number that will be. It is as simple as that.
Right. Thank you for that, sir. Mr. Javier Singh, he comes from Guinea Filaments. They are the highest, I think, the most gross-making company. They're also the chairman. The company has Guinea Filaments as chairman. Mr. Sharad Jaipuria, wo hamare chairman bhi hain. Ek question hai sir, inka le raha hu main. Billing and banking on solar power in UP started or not on solar captive consumers? That's number one. And second question that he asks is, who is established for group captive solar power in UP? Sir, probably again, I have to, again, the point is exchanges deal with collective transactions, and the transaction group captive transactions which you are mentioning are bilateral, or they are settled directly between the corresponding DISCOM and this one. So Ismay, I think I will not be the correct person to talk about it. But if you, Kushal, if you have ideas specific to UP, whether it has started, you can answer, or else I have to say I don't have idea on this one. Sir, we'll have to recheck it, sir. Kushalji, I'll connect you with JBG, and, sure, and then you can take it further on. I would now like to request towards the end, Mr. Amit Gupta, head of UP State, FICCI, to please kindly give this vote of thanks. Very good evening, everybody. Thank you. And my sincere thanks to Mr. Vinod Agarwalji. He has been the mentor of this thing. And it is like he has been after us that, okay, fine, let's do something. And obviously, IEX Perseverance, I've been in touch with Mr. Kushagra Garg also. And thank you, Raviji, also for explaining such a nice thing all across in Hindi. That was actually, this is you know, for the first time, we are doing such kind of a technical session. And it was 100% in Hindi. So this is actually like, we can say that FICCI has been, within FICCI, we have pioneered such kind of a discussion in Hindi. And yes, what is our Hindi belt, be it UP or Rajasthan, this belt actually, that connect comes automatically when the explanations are in Hindi. Many a times it has happened in our physical seminars, that the audience has asked that, okay, fine, you are showing your slides in English, but can you please explain this thing in Hindi? So that was something, actually this is wonderful, and I believe we'll get a lot many hits on YouTube as well. Well, today I know that today IEX is facilitating competitively priced over power to almost 4,500 plus commercial and industrial consumers. That is, I believe, in India. And in the state of UP, the CNI consumers account for 14% of total electricity consumed by the state on an yearly basis. This state currently installed capacity around 28,000 megawatts. And as UP aspires to become a preferred investment destination, lowering the operational cost of electricity for industries is a critical factor. Wherein obviously, what I have seen and gathered and garnered through, that minimum or up to ₹1 per unit can be saved. Ye bachat ho sakti hai industries ke, I'm sorry, I'm again started in English. So ye bachat ho sakti hai industry ke, aur ye, this is a substantial thing. It's actually a substantial amount wherein the competitiveness of industry is also increased. So I believe that this webinar of ours will take our initiations and initiatives further. Or because isme Satish Manaji pichli baar jude the, wo bhi judne wale the, but he regretted on a written basis that yes, because the chief minister's visit was there in his constituency at Kanpur, so he has to be there present physically, and he won't be able to join us through on online as well. So that is what the reason is, that we are missing him. But I'm sure that next time we take this on a bigger platform, wherein we plan to rope in other states as well, like Uttarakhand and Rajasthan and Haryana. So we believe that next edition would be a bigger one, wherein we'll get other state ministers and other secretaries, and we'll cater to the issues of other state entrepreneurs as well. As far as UP is concerned, I believe with this new growth story, wherein the ease of doing business has also, we are ranked second in EODB. I believe that there's a lot more potential for our open access system, and we'll take this initiative forward. I thanks once again to IEX and Mr. Vinod Agarwalji from Baswara Papers. Thanks, Atan. Thank you, sir.
थैंक यू सो मच अमित सर. थैंक यू एवरीबॉडी. मैं आईएएस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम ने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया है. विल सबमिट दिस रिपोर्ट एज वेल. और द इंडस्ट्री व्हिच वुड लाइक टू कनेक्ट विद अदर क्वेश्चंस एज वेल, वी'ड लाइक टू कनेक्ट यू विद देम एज वेल पोस्ट दिस वेबिनार. थैंक यू विनोद सर. थैंक यू सो मच अमित जी. थैंक यू. थैंक यू रवि. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.